नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का जीसीईआरटी क्लास नाइन्थ का साइंस बुक का हम लोग चैप्टर फोर करने वाले हैं। चैप्टर फोर का अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखेंगे इस वीडियो में। चैप्टर फोर का जो भी पाठ के जो प्रश्न उत्तर थे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, जो कि पहले इससे पहले जो वीडियो आपको चैनल पर अपलोडेड मिलेगा उसमें आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखे वो वीडियो को तो आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप जाकर देख लीजिए उस वीडियो को। उस वीडियो में हम लोग पार्ट से जो भी प्रश्न उत्तर उसके बारे में पूरा डिस्कशन किए हैं, क्या कैसे आंसर होगा, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स आप वीडियो को देख कर भी बना सकते हैं, साथ में आप वेबसाइट पर भी जाकर वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर फोर का अभ्यास के प्रश्न उत्तर की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गुण होता है उसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो पहला इसका क्या पॉइंट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नकारात्मक रूप से आवेशित कण है, ठीक है। नकारात्मक रूप से आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के बाहर मौजूद होता है। दूसरा पॉइंट आप ऐसे कीजिए, इसको पहला पॉइंट में लिखिए, पहले इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, ये देखकर इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, उसके बाद नीचे लाइन में लिखिए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट में क्या लिखिएगा, यह नकारात्मक रूप से आवेशित कण है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि ये जो नाभिक के बाहर मौजूद होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यह अक्षर ई द्वारा दर्शाया जाता है, यह दर्शाया गया है, ठीक है। ऐसे ई रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, ई लिखते हैं, ऐसे ई लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ई, ठीक है। और ये जो होता है नकारात्मक कण है, मतलब ये इसका जो भी ये रहता है वो क्या रहता है, नकारात्मक रहता है, ठीक है, -1, ठीक है, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के जस्ट उल्टा होता है, ये धनात्मक आवेशित कण है, जो नाभिक के अंदर मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर मौजूद होता है, तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर मौजूद होता है। और इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको पी द्वारा दर्शाया जाता है, पी द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो भी है वेबसाइट पे भी आपको हैंड राइटिंग नोट्स बहुत जल्दी अपलोडेड कर दिया जाएगा, तो अभी आपको इस तरह के नोट्स आपको देखने के मिलेंगे वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप जाकर नोट कर लीजिए और बहुत जल्दी वहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए सी नंबर क्या है, यह कण ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक आवेशित होता है। न्यूट्रॉन जो है ये ना तो धनात्मक रहता है ना ही ऋणात्मक रहता है, ठीक है। अब ये जो अर्थात यह तटअस्थ होता है, ठीक है, ये तटअस्थ है, ओके। और इसे हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं। ये चीज़ को याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये कि जे जे टॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएँ हैं। तो जो जे जे टॉम्सन है उसका परमाणु मॉडल का क्या सीमा है उसके बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो जैसे उत्तर क्या हो जाएगा कि जे जे टॉम्सन का परमाणु मॉडल का परमाणु क्या होता है, उदासीन होने की व्याख्या तो कर पाया, लेकिन उसका मॉडल अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों और उनके परिणामों की व्याख्या करने में असफल रहा। सीमाएं मतलब कहाँ तक इसकी सीमाएं है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे कि जे जे टॉम्सन जो है वो परमाणु मॉडल में परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो कर पाया, लेकिन उनका मॉडल अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों और उनके परिणामों को व्याख्या करने में असफल रहा, ठीक है। ये आंसर आप नोट कर सकते हैं, ये दूसरा का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तीन नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो जैसे अभी जे जे टॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं है उसको देखिए, उसी प्रकार हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं उसको देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसका सीमाएँ क्या है, गोलाकार मतलब वर्तुलाकार का होता है कक्ष में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन अस्थायी नहीं रह सकता है, क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा और त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होगा और इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। इसका अभिप्राय यह होगा कि परमाणु अस्थायी है, ठीक है। मतलब परमाणु जो है वो क्या है, वो जो गोलाकार है नाभिक हम लोग बनाए थे कल, तो उसमें क्या है, वो घूमते रह रहा है, परंतु वास्तव में परमाणु अस्थायी नहीं, अस्थायी है, ठीक है, अस्थायी होता है। इसका समाधान रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नहीं किया जा सका, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग
नोट कर लीजिए यहाँ से, नहीं तो आपको नोट करना है तो आप वेबसाइट से भी जाकर नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चार नंबर क्वेश्चन के बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या था? तो बोर का जो परमाणु मॉडल के अनुसार क्या था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इन कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं और इस प्रकार घूमते रहने पर उसकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं का इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें के एल एम या 1, 2, 3 से दर्शाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा होगा कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस चीज़ सारे चीज़ आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो वो सारे चीज़ को मैं टॉपिक को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे के एल कक्ष जो है वो आपको पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन कि इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। जैसे जे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसके चारों ओर धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन इनमें इधर उधर धसे हुए होते हैं। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश परिणाम के एक समान होते हैं जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, ये जे जे टॉमसन का मॉडल था। अब रदरफोर्ड मॉडल क्या था कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु गोलाकार परंतु संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में होता है जिसे नाभिक कहते हैं और परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, ये तुलना में छोटा होता है। ठीक है, ये आपका रदरफोर्ड का मॉडल था। उसी प्रकार देखिए बोर का मॉडल क्या था कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इन कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। एक निश्चित कक्षा में घूमते रहने पर उसकी ऊर्जा का क्या होता है, विकिरण नहीं हो रहा होता है। ठीक है, ये आंसर को फटाफट नोट कर लीजिए। अगर इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप पिछले वाला वीडियो में चलिए, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से मैं डिस्कस कर चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें अगर हर क्वेश्चन को हम लोग सही से डिस्कस करने लगे तो एक ही बात को दोबारा बोलना पड़ेगा और साथ में आपका समय भी ज़्यादा ये होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे छः नंबर क्वेश्चन, तो आप अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप पिछले वाला वीडियो एक बार देख लीजिए। ठीक है, जैसे छः नंबर क्वेश्चन के पहले 18वां तत्व के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो पहले जो 18वां तत्व के विभिन्न कक्षा है उसका इलेक्ट्रॉन का वितरण नियम किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं। जैसे देखिए किसी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है, 2n²। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा गया है, लेकिन वहाँ पर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, हो सकती है। अब प्रथम कक्षा में क्या होगा, तो प्रथम कक्षा में n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है 1 और 2n² मतलब n के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 का अगर स्क्वायर करते तो 1 का स्क्वायर हमको क्या मिलेगा, 2 × 1 मिल जाएगा। तो 2 × 1 मतलब अधिकतम पहला कक्षा में प्रथम कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ये इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 रह सकता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर दिया गया, 2 कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो n = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब n = 2 होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला है तो 2n² तो अब n के जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। मतलब दूसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए तृतीय कक्षा में क्या हो जाएगा, n² क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2n²। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो n है यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 3² और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 3 3 × 9 यहाँ पर कर देंगे, 9 × 2 = 18 मतलब तृतीय कक्षा में 18 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए चौथा कक्षा में कितना हो जाएगा, n = क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। तो n = 4 मानेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बाह्य कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 हो सकती है। ठीक है, सबसे बाहरी कक्षा में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना होगा, 8 होगा। कैसे, देखिए पहला में हमारा कितना रह रहा है, 2 रह रहा है, दूसरा में कितना रह रहा है, 8 रह रहा है। अब 8 रह रहा है, देखिए यहाँ पर 2 है,
अब 8 है, ये कितना मिल गया, 10 हो गया। अब 10 यहाँ 18 हमको बनाना है, तो या फिर 1 8 कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, 32 करना है, तो 18 है हमारे पास, उसमें क्या करेंगे, 18 में क्या करेंगे, यहाँ पर ही जिससे 18 का बन जा रहा है उसी पर 32 का बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। इसको हम लोग पिछले कक्षा में भी, पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो संयोजकता किसी परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के लेन देन पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन के लेन देन में जितने इलेक्ट्रॉन काम आते हैं उसे ही संयोजकता कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन के लेन देन में जितने इलेक्ट्रॉन काम आते हैं उसे ही संयोजकता कहते हैं। ठीक है, ऐसा करने से बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। और जब बाहरी कक्षा में, जैसे सिलिकॉन का परमाणु संख्या क्या हो जाता है, 14। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, तो इसको दो, पहला कक्षा में 2 रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 रख सकते हैं, तीसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इसको दे दिया, 8 इसको दे दिया, तो इसमें से कितना, 10 निकल गया, 10 निकल गया, तो लास्ट वाला कक्षा में कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब इसमें हमको संयोजकता पूछ रहा है, तो संयोजकता का मतलब क्या हो जाएगा, चूँकि बाहर कक्षा का पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, अब बाहरी कक्षा 4 है और इसको पूरा भरने के लिए कितना में भरेगा, 8 में भरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 में और कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा, तो 8 से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4 को, तो आंसर क्या हमारा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इक्वल टू 2 और 6, इसका बाहरी कक्षा को अगर पूर्ण करना है तो बाहरी कक्षा 8 से भरेगा, तो 8 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो 8 से हम लोग 6 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आंसर आ जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें और ये करना होगा, तो संयोजकता इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, संस्थानिक और संभारिक संस्थानिकों में कोई 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो जैसे देखिए परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके नाभिक में स्थित प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, किसी तत्व में परमाणु संख्या उसके नाभिक में स्थित प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है, ऐसे जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब जेड द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों के समान होती है, परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों के समान होती है। जब अब प्रोटोन सदा इलेक्ट्रॉन के समान संख्या में होता है, और जो प्रोटोन होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के समान होता है, तो मतलब परमाणु संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाभिक में प्रोटोनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अगर प्रोटोन परमाणु संख्या 18 है तो उसके नाभिक में प्रोटोनों की संख्या क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, वो भी 18 हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु में नाभिक में 11 प्रोटोन होते हैं, अतः इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 11 होती है, और इसमें इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं। ठीक है, Na इक्वल टू क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग किस प्रकार से प्रदर्शित, मतलब इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब द्रव्यमान संख्या देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तब द्रव्यमान संख्या जो होता है, जैसे द्रव्यमान संख्या पूछ रहा था, प्रोटोनों की संख्या प्लस क्या कर देंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब प्रोटोनों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रोटोनों की संख्या, जैसे कि जो भी एक उदाहरण ले लेते हैं सोडियम का ही, सोडियम में परमाणु 11 प्रोटोन है, तो उसमें क्या होगा, 12 इसमें न्यूट्रॉन होता है, 11 प्रोटोन होता है और 12 न्यूट्रॉन होता है, अतः इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, 11 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के एक परमाणु को जिनके नाभिकों में प्रोटोन बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन संख्या में भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तत्व के समस्थानिकों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होता है, क्योंकि इनका संयोजकता एक सी होती है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ठीक है, 3 समस्थानिक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग थे, जैसे हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक है, उसी प्रकार जैसे पोटियम क्या हो जाएगा, 1H1। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से इसको हम लोग लिखेंगे, 1H1। ठीक है, ड्यूटीनियम क्या हो जाएगा, ड्यूटीरियम क्या हो जाएगा, 1H2। ट्राइटीनियम हो जाएगा H3, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए, संभारिक जिन तत्वों को परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 18 Ar 40 और 20 Ca 40, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये संभारिक हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है इसमें आपका द्रव्यमान संख्या जो है समान है लेकिन ये क्या है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। परमाणु संख्या इसका कितना है? 18 है। इसका परमाणु संख्या कितना है? 20 है। लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या दोनों का क्या है? 40 है। उसी प्रकार यहाँ पर ये समस्थानिक कैसे हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ही क्या हो रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का, देखिए प्रोटीनियम में क्या हो जा रहा है भाई, इसमें परमाणु संख्या क्या है? एक है। और ये द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या भी एक है। लेकिन यहाँ पर परमाणु संख्या सब जगह एक रह रहा है लेकिन द्रव्यमान संख्या यहाँ दो हो जा रहा है, यहाँ पर तीन हो जा रहा है, मतलब द्रव्यमान संख्या जो है वो बदल जा रहा है। तो जहाँ पर द्रव्यमान संख्या बदल रहा है वो समस्थानिक हो जाएगा और जहाँ पर आपका ये परमाणु संख्या बदल रहा है वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वो परमाणु संख्या अगर अलग अलग है वहाँ पर संभारिक हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और समस्थानिक के दो उपयोग, जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट Ca60 के समस्थानिक उपयोग किया जाता है, गेंगा रोग में इलाज के लिए आयोडीन 1-13 I-13-131 ये समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम U-235 का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर Na+ है, एन इस प्रकार से लिखा हुआ है Na+। तो अब बोल रहे हैं कि पूरी तरह से भरे हुए K एवं L कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। अगर Na परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होता है जबकि Na+ आयन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन से K कोष पूरा तरह भरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से L कोष पूरी तरह भरा होता है, मतलब Na क्या हो जाएगा, सोडियम जो है इसमें प्लस इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक भी इसका 2 और 8 से पूरा तरह भरा हुआ है और के और एल कोष पूरी तरह भर देता है, और एक क्या करता है, एक देता है कि एक अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते, इसलिए इसके ऊपर एक प्लस हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, जैसे यहाँ पर अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिक इसका कुछ इस प्रकार से है 39-35, 39 Br-35, ठीक है, और तथा 81 Br-35 रूप में, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो जैसे इसका परसेंटेज क्या है, 49 इसका जो ब्रोमीन है वो क्या है, समस्थानिक है। क्यों समस्थानिक है ये, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका द्रव्यमान संख्या जो है द्रव्यमान संख्या चेंजेस हो जा रहा है, जो परमाणु संख्या 35 है वो बराबर रह रहा है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो हो रहा है क्या हो जा रहा है, वो चेंजेस हो जा रहा है, ठीक है। तो जब द्रव्यमान संख्या चेंजेस हो रहा है तो क्या करेंगे, अर्थात ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे, इससे हम लोग इसका जो परसेंटेज उसको परसेंटेज से गुना कर देंगे, इसको भी उसी प्रकार से कर देंगे। यहाँ पर इसको आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ रहा है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये इसका परमाणु द्रव्यमान का औसत हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एक तत्व एक्स का परमाणु द्रव्यमान 16.2 परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, तो इसकी किसी एक नमूने में समस्थानिक x और 18x का प्रतिशत क्या होगा, तो इसको क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो दिया गया है तत्व का x का परमाणु द्रव्यमान क्या है 16.2 U, ठीक है। अब माना 16 परमाणु द्रव्यमान बोल रहा है, तो परमाणु द्रव्यमान मतलब 8 इसका क्या है परमाणु संख्या है x का, तो इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसका जब निकालेंगे तो तब हम लोग क्या करेंगे, 18 8 x का प्रतिशत निकाल लेंगे तो 100-a कर देंगे, ठीक है। तो x का औसत मान क्या, x का औसत द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 16 को a/100 कर देंगे प्लस 18 को 100 a/100 कर देंगे, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 16.2, यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से इसको इक्वेशन के तरह सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 180/2a, तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसलिए 16 8 x का प्रतिशत क्या हो जाएगा 90% हो जाएगा, इसमें 100 माइनस करेंगे मतलब 10% हो जाएगा, ठीक है, इसका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि तत्व का Z=3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। अगर यदि तत्व का Z=3 है तब तत्व के परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा,
पहला में दो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, दूसरा में एक दे देंगे, इसकी संयोजकता एक होगी और तथा यह तत्व लिथियम होगा। ठीक है, यह तत्व कौन होगा? लिथियम, क्योंकि लिथियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 3 होता है। अब दो परमाणु स्पीजो के केंद्रकों का संघटक नीचे दिया गया है, जैसे देखिए प्रोटोन 6 6, न्यूट्रॉन 6 8। ठीक है, तो एक सौर वाई की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक सौर वाई का द्रव्यमान संख्या क्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को इसको जोड़ लेंगे आपस में, क्या हो जाएगा? एक्स का द्रव्यमान संख्या इक्वल प्रोटोनों की संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या। तो एक्स का द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 6 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एक्स का द्रव्यमान संख्या 12 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे वाई का द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ प्रोटोनों की संख्या क्या दिया हुआ है? 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या दिया हुआ है? 8। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित व्यक्तियों में गलत के लिए एफ और सही के लिए टी लिखिए। यहाँ जैसे जे जे टॉमसन के ने यह प्रस्तारित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियंस होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन सही होगा कौन गलत, उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का कभी निर्माण नहीं करते, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हम लोग पिछली वीडियो में चर्चा किए थे इसके बारे में। अब डी नंबर क्या हो जाएगा? आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिक्चर आयोडीन बनाने में होता है। तो आयोडीन के जो समस्थानिक जो इस्तेमाल है उसको टिक्चर आयोडीन बनाने में नहीं होता, इसका ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15, 16 और 17 में सही के सामने चिन्ह लगाकर उसको सही बनाइए। ठीक, जैसे रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, अब भी जो क्वेश्चन 15, 16, 17 है इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका जो परीक्षा होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी होता है? परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु केंद्रक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। CH- और ये माइनस ऐसे लिखा हुआ है, आयन में संयोजकता माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? CH- आयन में संयोजकता प्लस माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो सोडियम का क्या हो जाता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 हो जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग 2 इसको दे दिए, फिर बचा कितना? 9 बचेगा, 9 में से 8 इसको दे दिए, बचा 1, तो 1 वाला क्या किए, लास्ट वाला कोष में डाल दिए। ठीक है, तो 2 8 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 17 नंबर है कि CH- आयन में संयोजकता प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 17 वाला फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पर ही 18 वाला भी रिपीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, जैसे परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु स्पीसीज। इसको हम लोग कैसे किस प्रकार से पूरा करेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या क्या है? 9 है, मतलब द्रव्यमान संख्या क्या होगा? अब यहाँ देखिए परमाणु संख्या क्या है? 9 है, और यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर परमाणु संख्या दिया हुआ है 9, न्यूट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है 10, तो परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाता है? द्रव्यमान संख्या हो जाता है, ये हो जाएगा 19। ठीक है, अब प्रोटोनों की संख्या हमको पता करना होगा, तो प्रोटोनों की संख्या क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर परमाणु संख्या 9 है, तो परमाणु संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या भी 9 हो जाएगा। अब प्रोटोनों संख्या जितना होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9 हो जाएगा। अब परमाणु स्पीसीज, परमाणु स्पीसीज इसका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये फ्लोरीन हो जाएगा, मतलब इसका परमाणु संख्या 9 किसका है? फ्लोरीन का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ जैसे परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 16 है, द्रव्यमान की संख्या 32, न्यूट्रॉनों की संख्या 16, प्रोटोनों की संख्या 16, और प्रोटोनों की संख्या 16 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16 हो जाएगा। ये कौन सा परमाणु है? तो ये सल्फर हो जाएगा। यहाँ पर परमाणु संख्या 12, द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 24,
न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, प्रोटोनों की संख्या 12 मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटोनों की संख्या क्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या हो जाता है। अब प्रोटोनों की संख्या 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कौन सा धातु है, कौन सा परमाणु, मैग्नीशियम है। अब यहाँ देखिए परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा 2 है, तो परमाणु संख्या जब 1 है द्रव्यमान संख्या 2 है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटोनों की संख्या, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटोनों की संख्या 1 2 हो जाएगा। और जब प्रोटोनों की संख्या 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा है, ये ड्यूटेरियम है। उसी प्रकार एक यहाँ पर क्या है, परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या क्या है 1 है, तो यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 1 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्रोटोनों की संख्या 1 हो जाएगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, अगर प्रोटोनों की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 हो जाएगा। ये कौन सा परमाणु है, प्रोटीनियम। तो ये देखिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का हम लोग अभ्यास का प्रश्न उत्तर कर लिए साइंस क्लास 9 का, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी नोट्स बना सके इससे। अगर नोट्स आप वीडियो देखकर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाना चाह रहे तो आप जाकर वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको वेबसाइट पर बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।